दोस्तों यहाँ पे हमारे धुबड़ी से, बरपटा से, बोंगाईगांव से बहुत सारे दोस्त लोग आए हैं हमारे स्कूल को विजिट करने के लिए, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्ड मिला है, और बच्चे को देख के, हमारा सिस्टम को देख के बहुत खुश हुआ है। दोस्तों आप लोगों को मैं आज ऐसा एक स्कूल दिखाने जाऊंगा जो इंडिया का सबसे बेहतरीन स्कूल है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के असम पे मौजूद है। दोस्तों ये स्कूल आप देख सकते हैं, ये है असम के मार्काज एकेडमी इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल होजाय। अगर आपके मन में सपना बड़ा है और आप बड़े सपने देख रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, अगर आपके बच्चों को बनाना चाहता है डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर या साइंटिस्ट, तो आपके बच्चों को ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए भी ऐसा और बिल्डिंग्स है, ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर अपने गर्ल्स यानी अपने बच्चियों को भी एडमिशन दिला सकते हैं। दोस्तों ये जो मरकज ग्रुप ऑफ स्कूल से मरकजुल मारिफ एनजीओ के द्वारा चलते हैं, और मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी जो हमारे धुबरी के एमपी है उनके निर्देश पर ये स्कूल बना हुआ है। दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे माननीय मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी का एक सपना था कि हमारे मुसलमान बच्चे, जो माइनॉरिटीज़ बच्चे हैं, ये सारे दुनिया और आखिरत दोनों सीखे, और दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो, ये सपना लेके ऐसा स्कूल स्थापित किया है। पहला स्कूल होजाय मार्काज एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1994 में इस्टेब्लिश हुआ। हमारे माननीय मौलाना बदरुद्दीन आजमल कासमी, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके मुँह से दो शब्द सुनते हैं कि बच्चों को उत्साहित करने के लिए, बच्चों को अच्छा रास्ते पे चलने के लिए क्या बोलते हैं? अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। ये लड़के मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां मेहनत कर रही हैं, ये दुनिया में एक दिन चमकेंगे, पूरी दुनिया में इनका नाम होगा और ये मरकज के नाम पे चमकेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आपके मन में खुशी होंगे, इतना अच्छा डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए मॉर्निंग असेंबली के एक झलक आप देख सकते हैं। मॉर्निंग असेंबली ख़त्म होने के बाद बच्चा सुंदर और शानदार लाइन पकड़कर अपने कक्षा में जाते हुए नजर आएंगे, और कक्षा के अंदर अपने शिक्षक अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको नज़र आएंगे। इतना ही नहीं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स और अलग अलग कक्षा यहाँ पर मौजूद है। प्री प्राइमरी सेक्शन में आप क्लासरूम देख के हैरान हो जाएंगे कि बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अलग अलग पिक्चर चित्रांकन किए हैं, और खेलने कूदने के लिए सीसो, अलग गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी मौजूद हैं। दोनों ही बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल में मॉडर्न एंड साइंटिफिक क्लास जैसे कंप्यूटर लैब, लेबोरेटरी और डे बोर्डर बच्चों के लिए बसेस की व्यवस्था भी किए हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आने वाले बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग कैंपस और रहने के लिए मॉडर्न एंड साइंटिफिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर भरपूर सुविधाएं हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए मासी या आंटी भी मौजूद हैं, और हॉस्टल को देखभाल करने के लिए हॉस्टल कोऑर्डिनेटर और साथ ही हॉस्टल वार्डन भी मौजूद है, जो 24 आवर्स बच्चों को देखभाल करते हैं। स्कूल सब्जेक्ट के अलावा भी मार्काज एकेडमी इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कराटी, सेल्फ डिफेंस के लिए, और बच्चों को अलग अलग जगह में कंपटीशन करने के लिए इन बच्चों को भेजा जाता है, ताकि ये बच्चा अलग अलग जगह पर कंपटीशन करे और अपने मेडल को हासिल करे। कराटी के साथ साथ ताइगांडो, जूडो और साथ ही साथ योगा जैसे फिजिकल एक्सरसाइज भी स्कूल के अंदर मौजूद है, ताकि बच्चा आपका हेल्थ को अच्छा रख सके। इसके साथ ही गर्ल्स के लिए पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, मार्चिंग और एनसीसी दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए भी सिखाया जाता है। इसके साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, नाते रसूल,
अलग अलग स्पीच कंपटीशन दिया जाता है। उसके साथ ही बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाया जाता है। इसके साथ बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, छोटे बच्चों के लिए कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी सिखाया जाता है ताकि बच्चा फिजिकली मेंटली हेल्दी हो। और अपने बच्चा अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और प्राइज को हासिल करते हैं। दोस्तों, हमारे मरकजुल मारिफ एनजीओ और मौलाना बदरुद्दीन अजमल के जो सपना था, आज हमारे अंदर ये सच नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं कि असम के अलग अलग हिस्से पे, असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे एक दो नहीं बल्कि 53 स्कूल्स 2023 में आपको दिखाई नज़र आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी बहुत खुश है, अमीरुद्दीन अजमल बहुत खुश है और मरकजुल मारिफ के सपना सच बन रहा है। अलग अलग हिस्से पे अपने जो बच्चा APSC क्लियर कर चुका है और NCC ट्रेनिंग जैसे करके बच्चा डिफेंस में, आर्मी में, पुलिस में और भर्ती नज़र आ रहे हैं। अपने बच्चा सिर्फ असम पे ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पे भी दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चा यहाँ से डॉक्टर बन चुका है, कुछ बच्चा जो है यहाँ से इंजीनियर बन चुके हैं, कुछ बच्चे अच्छे अच्छे टीचर्स बन चुका है, प्रोफेसर्स बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, कुछ बच्चे जो है NGO के साथ भी जुड़ा हुआ है और अपने सोसाइटी के लिए, देश के लिए अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। क्वालिफाइड टीचर्स जो हमेशा बच्चों को अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस लेकर पढ़ाते हैं, बच्चे को अपने गोल और डेस्टिनेशन को पाने के लिए मॉडर्न, अपडेट एंड साइंटिफिक नॉलेज देने की प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पास वक्त नमाज पढ़ने के लिए वेल एंड प्यूरिफाइड वाटर, टैप वाटर की व्यवस्था किए हैं। दोस्तों, मरकज अकेडमी इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीने के लिए बच्चों को विशुद्ध पानी यानी यकवा वाटर जो फिल्टर करके आते हैं और उसके साथ 24 आवर्स सिक्योरिटी के साथ ये कैंपस घिरा हुआ रहता है। साथ ही साथ अपने क्लासरूम मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड हैं। अल्लाह वी आर वेरी मच हैप्पी एंड सर इज अप्रिशिएटेड विद अस एंड द इंस्टीट्यूशन इज अप्रिशिएटेड अस, सो प्लीज लेट अस हैव द नंबर्स एंड कांटेक्ट विद अस। वी आर गेटिंग आवर हार्ड वर्क, वी आर गिविंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग आवर हार्ड वर्क। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड दिस मैन इज व्हाटएवर आई विल टेल यू देन इट विल बी लेक ऑफ अस। नो आई एम द हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट ऑफ मरकज अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल हुजाई। सो इट इज गोइंग ऑन आवर न्यू एडमिशन 2024-25। सो एवरीबडी यू शुड कलेक्ट द प्रोस्पेक्टस एंड न्यू एडमिशन फॉर्म फ्रॉम आवर अकाउंट्स ऑफिस एंड दैट आवर एंट्रेंस एग्जाम विल बी देयर, दैट इज ऑन 7th January 2024 संडे। So from morning it will be start. So all of you welcome in our institute and you will get our modern and quality education, also Islamic ideologies. Thank you. Thank you very much, sir.